बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको बड़ी ख़बर देने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है और हुकूमत की जानिब से नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया गया है। जो पुराना तरीका था उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया है। पुराने तरीके से आप एहसास प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया गया है। अब मौजूदा हुकूमत आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद फराहम करेगी और इसकी जो नई रजिस्ट्रेशन है वो आपने कैसे करवानी है, और ईद से पहले हुकूमत की जानिब से कोशिश की जाएगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे दिए जाएँ और आपको हुकूमत की जानिब से मकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाए। मौजूदा हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बड़ी पॉलिसी वाज़ेह की गई है और कहा गया है कि हम चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा पैसे दें, और इसी मकसद के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए तमाम सूबों के लिए एक नए सिस्टम के तहत आपको BISP प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कौमी शनाख्ती कार्ड बना हो और कौमी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए आपने इस पर अप्लाई करना है। पिछली जो हुकूमत थी उसकी जानिब से जिन लोगों को पैसे दिए जाते थे इसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थी। एहसास कफालत प्रोग्राम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम के अंदर 1,60,00,000 खानदान मुस्तफ़ीद हो सके थे। और उसके बाद जो एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम शुरू किया गया था इसके अंदर मर्द हज़रात को भी इमदाद दी गई थी और ख़वातीन को भी इमदाद दी गई थी। और जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जानिब से जो पहला ऐलान किया गया था उसके मुताबिक ये था कि हम चाहते हैं कि जो पहले जो प्रोग्राम होता था, जो BISP का प्रोग्राम था जिसके ज़रिए 2,000 रुपये मिलते थे, अब हम इसमें इजाफा कर दें और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको शुरू कर दें। तो अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से नई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। अगर आप खुद को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से BISP का जो ऑफिस है उसके अंदर जाके आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। अब आप कोड के ज़रिए अप्लाई नहीं करेंगे। अलबत्ता ईद के बाद हुकूमत की जानिब से जो नया कोड है वो जारी किया जाएगा, उसके ज़रिए भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं।